हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र एमजे, और आज हम इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 4 से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आपसे साझा करने वाले हैं। एक है सेक्शन 93, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। सेक्शन 93 धारा 93 में जब हम जाते हैं तो वहां हमें संसूचना का सिद्धांत मिलता है। जैसा कि आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 में विभिन्न प्रकार के बचाव के बारे में, डिफेंस के बारे में बातें की गई है, जिन्हें साधारण अपवाद शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो धारा 93 संसूचना के सिद्धांत के बारे में बात करती है कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना से यदि किसी को हानि क्षति पहुंचती है तो कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 94 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि मेरी इच्छा के बिना किया गया मेरा कार्य नहीं है। एन एक्ट अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, जिसे कहते हैं विवशनीय व्यक्ति का कार्य। और सेक्शन 95 धारा 95 में छोटे मोटे अपराधों के बारे में बात है, तुच्छ अपराध उसे कहते हैं। और इसमें एक लैटिन मैक्सिम आता है जो कहता है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। क्या है ये तीनों बातें, समझते हैं वन बाय वन। तो सेक्शन 93 में हम जाएंगे तो वहां मिलेगा सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। धारा क्या कहती है, इसमें धारा कहती है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। अब समझना इस बात को कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए का क्या मतलब है, और संसूचना या कम्युनिकेशन से, बातचीत से कैसे किसी को हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझें कि एक व्यक्ति किसी से दुर्भावना रखता है, उसको ये लगता है कि उसको पता है कि ये जो आदमी है बूढ़ा, ये वृद्ध जो व्यक्ति है, इसको कोई ऐसी जानकारी दे दें जो शॉकिंग हो तो इसकी जान जा सकती है। और एक रोज उस वृद्ध को हानि पहुंचाने के लिए वो उसे झूठी जानकारी देता है, कहता है कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। इस बात से वृद्ध को शॉक पहुंचता है, उसे आघात पहुंचता है, और अगर वो मर गया या कुछ और नुकसान उसे हुआ, स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसने उसको कम्युनिकेट किया था, संसूचना दी थी। लेकिन माफी क्या है, अपवाद क्या है इस धारा में? अपवाद यह है कि मान लेते हैं एक रोगी एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे उसके शरीर की ठीक ठीक स्थिति बताता है। वो कहता है कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, या वो कहता है कि इलाज ठीक होने लायक नहीं है, या वो ये कह दे कि आपके पास समय कम बचा है, आप मरने वाले हैं, और इस बात से ही व्यक्ति शॉक में तुरंत मर जाए या कोई और नुकसान उसे पहुंचे, तो क्या डॉक्टर भी दोषी होगा? सेक्शन 93 कहती है नहीं, क्योंकि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक दी गई थी, यहां डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस धारा के साथ एक इलस्ट्रेशन है जो कहता है कि एक शल्य चिकित्सक है क, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस बात के परिणाम स्वरूप रोगी को आघात पहुंचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, भले ही वह जानता था कि कम्युनिकेशन या संसूचना उस रोगी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, संभाव्य है। तो इस धारा का जो अभिप्राय है वो अपराधी को अनुचित सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि अनुचित सुरक्षा प्रदान किए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित सुरक्षा पहुंचाना है। इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा की मांग करने के लिए आवश्यक है कि पहली बात संसूचना सद्भाव पूर्वक दी गई हो, और दूसरी बात जिस व्यक्ति को संसूचना जानकारी दी गई हो उसके लाभ के लिए दी गई हो। कभी कभी रोगी को यह बता देना आवश्यक हो जाता है कि उसका अंत नजदीक है, इसलिए वह अपनी इच्छा व्यक्त कर दे, या अपने कारोबार का प्रबंधन कर ले, या अपना वसीयत बना दे। ऐसे मामले में डॉक्टर इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षित होंगे। यदि संसूचना या कम्युनिकेशन उत्पन्न आघात के कारण जो है रोगी की मृत्यु हो जाए या कोई और हानि उसे पहुंचे, इस धारा के अंतर्गत अपहानि या क्षति का मतलब कोई घातक मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया भी हो सकती है, कोई मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो ये धारा बहुत काम की है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को सद्भावना पूर्वक कोई बात बताई जाती है उसको नुकसान पहुंचाने के आशय के बिना, तो धारा 93 में माफी मिल सकती है। समझते हैं सेक्शन 94 क्या है। तो सेक्शन 94 है ऐसा कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। अब समझना एक बात आपकी, जैसे सेक्शन 94 कहां लागू होता है, वहां जहां किसी व्यक्ति को धमका कर कोई कार्य कराया जाए। मैं ऐसा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक आदमी है ए नाम का, उसे धमकाया जाता है कि अगर वो किसी अपराधी के खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही देगा तो उसको और उसके बच्चों को जान से मार डाला जाएगा, और ये व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी, लॉ द्वारा बाउंड होते हुए भी उस बाइंडिंग सिचुएशन में कोर्ट में जाकर
सही जानकारी नहीं देता या कोर्ट में बयान देने नहीं जाता या धमकी के फलस्वरूप वो कोर्ट में जाके झूठी बात बोल दे, तो भी उस व्यक्ति को माफी मिलेगी जिसने झूठ बोला था क्योंकि उसे धमकियों द्वारा विवश किया गया था। लेकिन ये धारा कुछ लिमिटेशंस भी लगाती है। धारा 94 कहती है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर, ऐसे अपराधों को छोड़कर जो राज्य के विरुद्ध हैं, कोई बात अपराध नहीं होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, जिससे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो कि उसका अन्यथा परिणाम, मतलब वो काम नहीं करेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी किसी हानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं दो। स्पष्टीकरण एक कहता है, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में जानते हुए शामिल हो जाता है कि ये डाकू हैं, इस आधार पर बचाव का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसे किसी काम को करने के लिए या बात को करने के लिए विवश किया गया था जो विधि में अपराध है, कानून में अपराध है। ये धारा का स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? ये स्पष्ट इस बात को कह रहा है कि पीटे जाने की धमकी कोई धमकी नहीं है, तत्काल मृत्यु की धमकी होनी चाहिए। डॉक्टरों ने कहा उसे जान से मार डालेंगे। दूसरा, अपनी इच्छा से ना शामिल हुआ हो, उसका विल ना हो शामिल होना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति डाकुओं की टोली का सदस्य है और जब पकड़ा गया तो बोले अरे मुझे तो धमकी मिली थी, ऐसा बचाव नहीं मिलेगा। स्पष्टीकरण दो कहता है, अच्छा इसमें स्पष्टीकरण दो में स्पष्टीकरण दो ना होते हुए एक समझाइश, एक दृष्टांत है। यहां लिखा है कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित, मतलब उसको गिरफ्तार किया गया, पकड़ लिया गया और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विधित अपराध है एक व्यक्ति विवश किया गया। जैसे मान लो कि कोई लोहार है, ये लोहार औजार बनाना जानता है, ये जो है ताला बनाना जानता है, ताला तोड़ना जानता है, चाबी बनाना जानता है। एक गांव में डाकू पहुंचते हैं, इस लोहार को कहते हैं कि हमारे साथ चलो और फला जगह हम डकैती डालने जा रहे हैं, अगर तुम साथ में नहीं चलो तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे, लेकिन तुमको साथ में चलना है और वहां का ताला तोड़ना है या दरवाजे को तोड़ना है। इस धमकी के डर में लोहार उनके साथ जाता है और वहां का द्वार दरवाजा तोड़ता है या ताला तोड़ता है और वहां डाकू घुसते हैं और घुस करके वो सारा माल लूट ले जाते हैं। ये जो लोहार था, ये जो लोहे का काम करने वाला व्यक्ति था, इसको फायदा मिलेगा सेक्शन 94 का। ये पूरी की पूरी धारा इस बात पर आधारित है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई कार्य मेरा कार्य नहीं है। ये एक लैटिन मैक्सिम है जो एक लैटिन सूत्र से निकल कर आता है जो कहता है एक्टस मीन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। यह ऐसी बात को मान्यता प्रदान करता है कि विवश किए गए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा क्योंकि वो उसका कार्य नहीं है। दूसरों शब्दों में हम कहें तो कहा जा सकता है कि अनिच्छा से किया हुआ कार्य अपराध नहीं होता, अर्थात फिर अपराध गठित करने के लिए स्वेच्छा का होना आवश्यक है, वॉलंटरी एक्ट का होना आवश्यक है। इस सिद्धांत के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ परिसीमाएं हैं। यह सिद्धांत कहता है कि अनैच्छिक कार्य अपराध नहीं होता, लेकिन कार्य की स्वैच्छिक प्रकृति या तो कार्य से उत्पन्न क्षति के भय से होनी चाहिए या किसी अन्य मानसिक दबाव या वास्तविक शारीरिक दबाव के अंतर्गत किए गए कार्य द्वारा प्रभावित होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के बगैर कार्य करने को मजबूर हो जाए और उसकी स्थिति एक खिलौने के अतिरिक्त, एक इंस्ट्रूमेंट के अतिरिक्त कुछ ना हो। उदाहरण के लिए, क ख को पकड़ लेता है और उसकी जेब में जो भी रुपया है ले लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा रुपया मैं तब तक नहीं लौटाऊंगा जब तक कि तुम स की जेब नहीं काट लो। ख अपना रुपया वापस पाने के लिए स का पॉकेट मार लेता है। यहां ख एक प्रकार के मानसिक दबाव के अंतर्गत कार्य कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का मानसिक दबाव विधि में बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। ध्यान से समझते चलना, इस विषय पर अंग्रेजी विधि भारतीय विधि से थोड़ी भिन्न है। अंग्रेजी विधि एक व्यक्ति को राज्य का बलिदान कर अपनी सुरक्षा करने की स्वीकृति देती है, लेकिन भारतीय विधि में ऐसा नहीं है। राज्य के विरुद्ध कार्य माफी योग्य नहीं है। एक मामला था देवजी गोविंद जी का। इस मामले में निर्णय दिया गया कि कोई सिपाही एक व्यक्ति की मृत्यु तक यातना देने में मात्र इसीलिए न्याय संगत नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था, या जैसे एक डाकू अपने कार्य को इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहरा सकता कि उसे उसके साथियों की आज्ञा का पालन करना पड़ा, नहीं तो उसे वो पीटते। भारतीय प्रकरणों में जो अनुपालित सिद्धांत है वो यह है कि कोई भी व्यक्ति तात्कालिक मृत्यु के अतिरिक्त अपने को क्षति के भय से उत्पन्न परिणामों के भय से मनुष्य मात्र का या किसी समाज का अनिष्ट करने के लिए भागीदार बनाने का अधिकारी नहीं है। इस बात को आप नोट कर लें।
धारा 95 आज की लेक्चर की आखिरी धारा है। ये धारा तुच्छ अपहानी कारित करने वाले कार्यों को माफी योग्य मानती है। तुच्छ कार्य क्या है इस बात का कोई परिभाषा आईपीसी में नहीं है, ना धारा 95 इसे परिभाषित करती है। ये धारा कहती है कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उसका करने वाला कोई अपहानी कारित करता है या कारित किए जाने के लिए आशयित है। यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। अब ये जो तुच्छ कार्य की परिभाषा दी गई है, ये कहती है कि ऐसा कोई कार्य जिसके लिए सामान्य समझ बूझ का व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका सहपाठी आपके साथ पढ़ता है, दोनों रोज आप स्कूल आते हैं और एक रोज आपसे बिना पूछे वो आपके कॉपी में से पेज फाड़ लेता है कुछ लिखने के लिए। अगर हम कानून की परिभाषा में जाएं तो आपका सहपाठी, आपका मित्र, आपका बैचमेट कर तो चोरी रहा है, वो जो काम कर रहा है उसे कहेंगे चोरी। लेकिन क्या इसकी शिकायत सामान्य समझबूझ वाला व्यक्ति कोर्ट में करेगा? नहीं करेगा, तो इसकी सुनवाई नहीं होगी, इतनी सी बस बात है। तो ये धारा भी एक सिद्धांत पर आधारित है जो कहती है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। डेमिनिस नॉन क्यूरेट लेक्स, तुच्छ कार्यों के विषय में कोई भी युक्तियुक्त शिकायत नहीं करता या युक्तिसंगत व्यक्ति शिकायत नहीं करता। खुदा जो रिनाउंड जुरिस्ट रहे हैं वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भीड़ में से किसी अन्य व्यक्ति के अंगूठे को छुए बिना या दूसरे के शरीर को धक्का दिए बिना नहीं गुजर सकता, और कोई भी युक्तिसंगत व्यक्ति ऐसे छोटे से कष्ट के लिए शिकायत नहीं करेगा, इसे चोट नहीं कहेगा। जो शब्द अपहानी का प्रयोग धारा में हुआ है वो व्यापक रूप में किया गया है, इसमें शारीरिक क्षति भी शामिल है। यह अपवाद केवल आकस्मिक कार्यों को ही नहीं बल्कि जानबूझकर किए गए कार्य जिससे क्षति होती है या खारिज किए जाना आशयित है या होने की संभावना है उस पर भी लागू होती है। विधि ऐसी किसी तुच्छ कार्य को अपने आप में ध्यान नहीं देती या उसे बाध्य नहीं बताती जिसकी शिकायत करना एक सामान्य समझबूझ वाला व्यक्ति सही नहीं समझता। किसी कार्य को जो अपराध के तुल्य है, तुच्छ है या नहीं, क्षति की प्रकृति, पक्षकारों की स्थिति, ज्ञान आदि सब पर निर्भर करता है, उसके अनुसार देखा जाता है। इस धारा के अंतर्गत कुछ कार्य आते हैं। उदाहरण लेते हैं कि जहां कोई व्यक्ति सरकारी बंजर जमीन से किसी पेड़ के नीचे से तुच्छ कीमत की मूल्यहीन समझ लीजिए फलियां इकट्ठा कर लेता है, ये तुच्छ कार्य है, इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति को माफी मिलनी चाहिए। या जहां अभियुक्त तो बिना किसी कीमत के चेक की चोरी कर लेता है तो इस एक मामले में इसे भी माफी योग्य माना गया। या जहां वादी अपनी ख्याति को कारित अपहानी की शिकायत करता है कि उस पर दोषारोपण किया गया है कि वह अवैध टिकट के साथ यात्रा कर रहा था, तुच्छ प्रकृति का कार्य है, इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि कुछ कार्यों को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर तुच्छ प्रकृति का नहीं माना। एक मामला था जहां जो पद से निलंबित एक सिपाही है वो जिला पुलिस अधीक्षक के सीने पर छाते से प्रहार कर देता है क्योंकि पुनः विचार करने हेतु उस द्वारा की गई अर्जी वापस कर दी गई थी। मामला ये था कि उसने एक एप्लीकेशन दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस से वो गया तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया पुनर्विचार के लिए, उसने छाते से प्रहार कर दिया। जब मामला कोर्ट में गया तो उसने कहा कि तुच्छ प्रकृति का मामला है और विधि को तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसे तुच्छ प्रकृति का मामला नहीं माना गया, गंभीर मामला माना गया और व्यक्ति को सजा दी गई। या जहां अभियुक्त एक कागज को फाड़ देता है जिस पर उसके द्वारा अभियोजन को दे धन जो है पैसा है उसका वर्णन था, और मतलब एक अपने आप में ये बात एक सबूत था, साक्ष्य था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टैम्प था, रजिस्टर था या नहीं था, उस पर लिखा हुआ था कि उसको कुछ पैसा वापस लौटाना है, उसने उस कागज को फाड़ दिया, इससे माफी योग्य काम नहीं माना गया। या जहां एक एडवोकेट एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय गवाह की परिवारजनों के लिए, गवाह की माँ के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करता है जो उसकी गरिमा के विरुद्ध है, इसे भी कोर्ट में तुच्छ कार्य नहीं माना गया, इसको भी संज्ञान में लिया गया और व्यक्ति को धारा 95 का लाभ नहीं मिला। तो आपने तीन धाराएं समझी, सेक्शन 93, 94 और 95। तीनों ही धाराएं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। कानून के जटिल प्रावधानों को आसानी से मैं आप तक रखने का प्रयास लगातार करता रहता हूं। अगर आपने इन बातों को ठीक ठीक समझ लिया हो तो मेरा कार्य सफल सिद्ध हुआ। जुड़े रहिए और समझते रहिए आईपीसी को स्पेशल लेक्चर सीरीज में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।